My name is Shahid Khan. I'm the English motivational speaker and I'm certified from the University of Spoken English, Peshawar. And else, I'm a English host and an anchor. Today, आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपको अवेयर करना है कि आप अपने ड्रीम की तरफ माइल हो जाए और आपको मालूम हो जाए कि कैसे अपने ड्रीम को अचीव किया जाए और कैसे अपने ड्रीम को हासिल किया जाए. सो आज हम बात करने वाले हैं गोल के बारे में. व्हाट इज अ गोल? इस दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई गोल है. बगैर गोल के कोई भी इंसान नहीं है. अगर आप इधर आते हैं तो आप एक गोल के लिए आते हैं और आपका एक गोल है पढ़ना. अगर आपकी टीचर जहाँ आते हैं तो उनका भी एक गोल है आपको पढ़ाना. और इसी मकसद से आज हम इधर आए हैं क्योंकि हमारा गोल है आपको कुछ बनाना और आपको अपनी कामयाबी की तरफ आयल करना. तो एक गोल की तरफ जब आप चलते हैं तो आपको सिर्फ तीन चीज़ें रोकती है. सबसे पहली बात तो ये जो आपको रोकती है वो डेयर, मीन डेयर योर फेयर. आपकी फेयर आपको रोकती है, आपका डर आपको रोकता है कामयाब होने से. अब अपने डर को जब आप काबू में करते हैं तो उसके बाद आप चलते हैं अपनी ड्रीम की तरफ. सो यू हैव टू डेयर योर फेयर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम. सो देन यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट. सो पहली बात तो ये है कि आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने डर को काबू में रखना है और अपने डर को साइड में रखकर आपने आगे चलना है. दूसरी बात ये जो आपको रोकती है वो लोगों की आवाज़ होती है, मतलब जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं उनकी आवाज़ें जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट डू इट. तो वो आवाज़ें आपको रोकती है. उसके बाद जब आप उन आवाज़ों को भूल कर आगे जाते हैं और उनको इग्नोर करते हैं तो आप अपनी ड्रीम की तरफ आपका जो दूसरा स्टेप हो वो क्लियर हो जाता है. सो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल सो यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड इग्नोर एवरीथिंग. जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो उनको इग्नोर करना है. तीसरी बात ये और आखिरी स्टेप जो बहुत मुश्किल होती है आपको कामयाबी की राह पर चलने के लिए, तो वो है आपकी खुद की आवाज़ जो आपको कहती है कि मैं नहीं कर सकता या अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे. तो ये आवाज़ें आपको रोकती है. तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाए तो इन आवाज़ों को भूल कर और इन आवाज़ों को इग्नोर करके और इन आवाज़ों को साइड करके आपने आगे चलना होता है. तो जब आप इन आवाज़ों को भूल कर इनको साइड पर रखते हैं तो देन यू बिकम अनस्टॉपेबल. कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाती है आप आगे बढ़ने में. दूसरी बात ये है एक कामयाब इंसान के लिए तो वो उसका टाइम टेबल है, मतलब जिस टाइम टेबल पे वो चलता है उसमें आपको अपने गोल को टाइम देना होता है. अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप इंजीनियर बन जाए, कुछ भी हो, अगर आपका कोई भी ड्रीम हो तो अपने ड्रीम के लिए आपने कोई टाइम टेबल रखना है और कोई ऐसा काम रखना है कि जिसके लिए आप अपने ड्रीम को आप टाइम दे सकें. तो वो बहुत ज़रूरी है. अपने टाइम टेबल में अपने ड्रीम के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है और कोशिश बहुत ज़रूरी है. बगैर कोशिश के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते. सो यू हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन इफ़ यू वांट टू बी समथिंग. और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है रुकावटें. मतलब जब भी आप कामयाब होना चाहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के रुकावटें आपको रोकेगी. अलॉट की मतलब मुख्तलिफ किस्म के रुकावटें आपको रोकेगी. अलॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फेयर एंड फेलियर जो आपको रोकती है तो उनको साइड में रखना है और सिर्फ अपने ड्रीम की तरफ अपना तवज्जो करनी है. तो उसके बाद आप कामयाब बन पाएंगे. एंड इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन इट.